हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है मेरे सीएमए के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर भोले भोले बच्चों। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अक्सर आप जब डिग्री को सिलेक्ट करने के बाद जब बाहर जाके आप डिस्कशन करोगे लोगों के साथ, तो आपको सुनने को मिलेगा कि सीएमए जो है वो छोटा भाई है सीए का, ऐसा सुनने को मिलता मुझे। सीएमए जो है आपका कम स्कोप है एज कम्पेयर टू किसी और डिग्री के, सीएमए करने के बाद कोई जॉब नहीं है, कई लोग ऐसी बातें करेंगे। पहले मैं बता दूं, ये वो लोग आपको बोल रहे हैं जो कभी सीएमए क्वालिफाई नहीं किए, गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। आप तो अभी किसी एक दो लोगों को देख रहे होगे, मैंने कई हजार सीएमए अभी तक बना चुका हूं, और कई लोग जो है वो इस जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे कोई दूसरा प्रोफेशनल बंदा उनको बीट नहीं कर सकता। तो ये जो जिनसे आप पूछते हो ना कि यार सीएमए की डिग्री मैं कर रहा हूं, करूं कि ना करूं, अगर मान लो कहीं आपका स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, तो फिर क्या, ये सब उल्टी सीधी बात है, मत सुनो उनकी बात। ये डिग्री, ये नाम सीएमए जब आपने अपने नाम के साथ जोड़ लिया ना, आपको पता चलेगी इसकी वैल्यू क्या है। और एक बात बताऊं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में जहां पे हम इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे पहुंचने के लिए और उसमें टॉप पे पहुंचने के लिए तीन में से एक डिग्री आपके पास होना ही चाहिए, सीएमए, सीए या फिर सीएस। अगर ये डिग्री आपके साथ नहीं है तो आप वहां जाने का ख्वाब नहीं देख सकते। और वहां पे जो ख्वाब देखते हैं वहां पे जाने के लिए, वो ऐसे वैसे लोगों से नहीं पूछते हैं जो खुद अनसक्सेसफुल लोग हैं, जिनको खुद नहीं पता कि यार डिग्री के बाद क्या होता है, उनको सीएमए के अंदर का एबीसीडी नहीं पता, सीएमए बनने के बाद कंपनी में कहां पे हम जॉब पाएंगे, क्या करेंगे, उनको कुछ नहीं पता। इसलिए आप उनकी बातें छोड़ दो, बिलीव करो मैं सच बता रहा हूं, झूठ नहीं। मुझे आज तक एक भी ऐसा सीएमए नजर नहीं आया जो कि डिग्री कंप्लीट किया है और अभी तक वो अच्छे जॉब में नहीं है, या फिर जॉब नहीं पाया, वो अनएम्प्लॉयड है, मुझे नहीं दिखा आज तक। कभी अगर आपको कोई दिखेगा तो उसका फोटो खींच के मुझे भेज देना, और हाँ उसकी क्वालिटी भी लिख देना कि वो कितना, मतलब आपका उसकी क्या कम्युनिकेशन स्किल है, क्या है। कहने का मतलब कि दुनिया क्या बोलती है छोड़ो, आप जिस डिग्री को सिलेक्ट किया बहुत मस्त डिग्री है। मैं इंडस्ट्री के अंदर भी जाता हूं, मैं जाता हूं कंपनी के अंदर में, कई सारे बच्चों को, कई सारे आपके इंप्लॉय को ट्रेंड करने के लिए वहां देखता हूं कि जब कोई सीएमए खड़ा होता है तो लोग वहां पे कांपने शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं क्या क्या, कैसी कैसी चीजें पढ़ के आया, मेरा क्या होगा, किसी को नहीं पता। बहुत मस्त डिग्री है, आप अपने चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, इस डिग्री के आगे कोई डिग्री नहीं होती, ये डिग्री अपने में बहुत बड़ी डिग्री है, बिना किसी दूसरे प्रोफेशनल डिग्री की बुराई किए बगैर, ना सीए, ना सीएस, ना एमबीए, किसी की बुराई नहीं कर रहे, हमारी डिग्री बहुत अच्छी डिग्री है। अगर हमने इसको पा लिया हमारा लाइफ चेंज होगा, आप खुद देखेंगे, खुद फील करेंगे कि आपका जो नॉलेज है, आप जो इंडस्ट्री में जाकर जिसको अप्लाई करोगे, अमेजिंग होगा वो, आपको जो इज्जत मिलेगी इंडस्ट्री के अंदर में वो अमेजिंग मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में जाइए, मतलब क्या बताऊं मैं आपकी डिग्री के बारे में, बहुत मस्त डिग्री है, आप इसको फील करें। और जो भी लोग कभी कुछ बोलते हैं ना आपकी डिग्री के बारे में, और ये आप ही के बारे में नहीं, हर एक सीए के बारे में बोला जाता है, सीएस के बारे में बोला जाता है, वो सबको ही, मतलब जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, जो डरे हुए लोग हैं, जो चाहते हैं कि आप इनमें से कोई डिग्री, खासकर आप सीएमए की डिग्री आप ना अचीव करो, तो वो आपके बारे में ऐसी बातें करेंगे, आपके डिग्री के बारे में बातें करेंगे, मत सुनो उनकी बात, वो पागल लोग हैं, वो सनकी लोग हैं, उनको हटाओ, आगे बढ़ो और बस आगे बढ़ो। आगे मैं आगे के कई सारे वीडियोज में कई सारी बातें आपके सीएमए के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा, आपके डिग्री के बारे में, आपका जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा, कई सारे अच्छे अच्छे जो कॉर्पोरेट में आपके सीएमए भी प्लेस्ड है, मैं उनसे भी आपको यहाँ पे आपको इंटरेक्शन कराऊंगा और चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप अपनी डिग्री को एंजॉय कीजिए, खुद बिलीव कीजिए कि जो डिग्री आप कर रहे हैं वो किसी दूसरे के वश की बात नहीं है जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। चलो बच्चे, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी ऑफ सीएमए, थैंक यू जी।